पूरे गांव में एक मर्द नहीं बचा, सबको पकड़ के पुलिस ने अंदर कर दिया है। पावर। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीजफायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले है। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है।
गुंटूर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंटूर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटूर कड़म और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटूर कड़म रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के सासे वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनो आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। KGF डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी
हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग। 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं।
सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे महीने यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की। सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं।
सलार पार्ट टू की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट टू की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार टू की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर करम और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब 1 महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर करम से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंडर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंडर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है।
पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वहीं पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वहीं शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की। सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म की हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग। 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर, कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन
प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंटर करम से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी भारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनो आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। KGF डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी
हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद सिर्फ फिल्म की हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं।
सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे महीने यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के सासे वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की। सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं।
सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब 1 महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंडर कड़म और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंडर कड़म रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था।
वहीं पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वहीं शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर, कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन
प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंजर करम से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंजर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंजर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के सासे वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनो आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। KGF डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी
हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग। 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं।
सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे महीने यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के सासे वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की। सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं।
सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर करम और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब 1 महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर करम से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंडर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंडर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था।
वहीं पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वहीं शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनो आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है।
गुंटूर करम और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंटूर करम से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटूर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटूर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर फुली सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनो आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। KGF डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी
हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म की हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग। 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी भारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं।
सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे महीने यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की। सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं।
सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब 1 महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंडर कड़म और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंडर कड़म रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है।
पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वहीं पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वहीं शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर, कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन
प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंजर करम से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंजर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंजर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर फुली सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनो आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। KGF डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी
हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म की हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग। 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं।
सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे महीने यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनो आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की। सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म की हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं।
सलार पार्ट टू की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट टू की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार टू की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। गुंडर कड़म और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब 1 महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंडर कड़म से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंडर कड़म और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंडर कड़म रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के साथ से वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया।
नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वहीं पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वहीं शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। केजीएफ डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है। रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी प्रभास और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म सलार 2 की शूटिंग, 2025 के आखिर में होगी रिलीज। प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 2023 में तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब मेकर्स जल्द ही सलार का अगला पार्ट लाने वाले हैं। सलार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मई के आखिर में शुरू की जाने वाली है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार सलार पार्ट 2 की शूटिंग मई के आखिर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल 10 दिनों का होने वाला है। रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीनों से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल में प्रभास और पृथ्वीराज भी मौजूद होंगे। फिल्म सलार 2 की शूटिंग इसी साल पूरी होने वाली है, जिसके बाद इसे अगले साल 2025 के आखिर में रिलीज किए जाने की तैयारी है। हैदराबाद के बाद फिल्म का अगला शेड्यूल बेंगलोर में होने वाला है। फिल्म के अगले पार्ट में प्रभास और पृथ्वीराज का आमना सामना होने वाला है। बताते चले कि सलार का पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रिया शरण अहम किरदारों में थे। पहले पार्ट को 270 करोड़ रुपए के मेगा बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 715 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये तेलुगु सिनेमा की साल 2023 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, तेलुगु सिनेमा की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इंडियन सिनेमा की 2023 में आई चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है।
गुंटूर करम और हनुमान ने बिगाड़ा सलार का खेल। बॉक्स ऑफिस पर लाखों में सिमटी प्रभास की फिल्म की कमाई जाने 25वें दिन का कलेक्शन। प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर सलार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। इस फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इसी के साथ सलार का कारोबार भी काफी शानदार रहा। हालांकि अब प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई लेटेस्ट पोंगल रिलीज से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसके चलते सलार की कमाई भी काफी घट गई है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को कितने नोट छापे हैं। प्रभास की सलार को रिलीज हुए अब एक महीने होने वाला है। इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली सलार ने साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हालांकि अब सलार की महेश बाबू की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गुंटूर करम से लेकर तेजा सजा की हनुमान और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये लेटेस्ट रिलीज फिल्म में सलार पर काफी वारी पड़ रही है और ऐसे में प्रभास की फिल्म की कमाई भी काफी घटती जा रही है। सलार की हफ्ते वाइज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.1 करोड़ रुपए रहा है और तीसरे हफ्ते में सलार ने 23.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही अब ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में है और इस फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 0.5 करोड़ रुपए और चौथे शनिवार को 0.65 करोड़ रुपए और चौथे रविवार को 0.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही अब इस फिल्म की रिलीज के चौथे मंडे की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के चौथे मंडे यानी 25वें दिन महज 55 लाख का कारोबार किया है। इसी के साथ सलार की 25 दिनों की कुल कमाई अब 404.45 करोड़ रुपए हो गई है। सलार ने अपनी रिलीज के 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया, लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में महेश बाबू की गुंटूर करम और तेजा सज्जा की हनुमान ने दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही सलार का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया, जहां गुंटूर करम रिलीज के 4 दिनों में ही 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है तो वही हनुमान ने भी 4 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दिनों फिल्म का क्रेज देखने ही बनता है। ऐसे में सलार की कमाई लाखों में सिमट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभास की फिल्म इन लेटेस्ट रिलीज फिल्मों के आगे कितना टिक पाती है। बॉक्स ऑफिस पर पुलिस सलार के सासे वीकेंड पर कलेक्शन धड़ाम, लाख में पहुंचा बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म सलार के लिए बिजनेस अब मुश्किल हो गया है। रिलीज के बाद फिल्म ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में कलेक्शन किया, चंद दिनों में 100 और फिर 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी कर गई। हालांकि अब बिजनेस मंद पड़ गया है। सलार के लिए वीकेंड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नौबत ये आ गई कि फिल्म करोड़ से अब लाख में बिजनेस कर रही है। सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। पहले दिन प्रभास की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के साथ खाता खोला था। वही पहले वीकेंड पर ही सलार ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसके बाद सलार को 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री मिल गई, लेकिन 400 करोड़ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। सलार के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर रेंगने को मजबूर हो गई है। शुक्रवार को सलार ने महज 50 लाख का बिजनेस किया, वही शनिवार को कलेक्शन 45 लाख रहा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को 90 लाख कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 24 दिनों में सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 403.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया। सलार की लीड स्टार कास्ट में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद, जगपति बाबू शामिल है। फिल्म की कहानी खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित है और दो दोस्त देवा और वर्धा के इर्द गिर्द घूमती है। सलार के बाद मेकर्स सलार 2 लाने की घोषणा की है, जिसका नाम सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्व है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के बाद ओटीटी पर इस भाषा में रिलीज हुई प्रभास की सलार, फैंस बोले अब खानसार होगा लाल। सलार साल 2023 की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में जबरदस्त कमाई की सलार की प्रसिद्ध देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। वही हाल ही में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था, लेकिन सिर्फ साउथ भाषाओं में। अब फिल्म का डब वर्जन रिलीज किया गया है। KGF डायरेक्टर की फिल्म होने के कारण सलार को लेकर काफी
हाइप थी। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई। प्रभास के प्रशंसक सिनेमाघरों के बाद सलार की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। लगभग एक महीने बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लेकिन केवल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। अब फैंस को भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का दूसरा वर्जन रिलीज कर दिया है। सलार के निर्माताओं ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट सजा किया और जानकारी दी कि फिल्म का अंग्रेजी डब संस्करण ओटीटी पर रिलीज हो गया है। कैप्शन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि भारी डिमांड के चलते उन्होंने फैंस की ये इच्छा पूरी की है। सलार सीज़फ़ायर का अंग्रेजी संस्करण अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। सलार के ओटीटी रिलीज को मेकर्स ये फैसला कई लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस को एक बार फिर निराशा हुई। प्रभास के हिंदी भाषी प्रशंसकों सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के हिंदी डब संस्करण के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पहले साउथ और अब अंग्रेजी में फिल्म रिलीज करना उनके लिए निराशाजनक है। सलार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, वही फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। सलार में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा सलार की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, ईश्वरी राव, श्रेया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू भी शामिल है।